हम रक्षाबंधन के इस त्योहार को फिर से इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि कल जल्दी जल्दी में सरल तरीके से हम बता नहीं पाए थे समय कम था अगर ये समझ में आ गया तो और कुछ समझने की जरूरत है ही नहीं केवल क्रिया योग ध्यान करिए उससे जो शक्ति और ज्ञान मिले उसकी उससे सेवा करिए सेवा तभी कर पाएंगे जब जिसकी सेवा करिए उसको भगवान की तरह मानिए भगवान की तरह क्यों मानेंगे हम क्योंकि होली साइंस में लिखा है परब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं जो कुछ हम दृश्य अदृश्य रचना के बारे में देखते हैं सुनते हैं अनुभव करते हैं या सोचते और विचारते हैं वो एक ही चीज है कि परम स्वयं सब रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। इसी को वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं वसुदेव देखिए वासुदेव से बना है वासुदेव शब्द के अंदर निहित है विष्णु की शक्ति और विष्णु की शक्ति का काम क्या है सब चीज की रक्षा करना किस चीज की रक्षा होगी चलो हम पहले मानव को ले लेते हैं हम मानव जब आए पृथ्वी पर तो कहते हैं पहले मनु आए ठीक है मनु आए और आइए पश्चिम में कहते हैं पहले आदम आए जिसको आदम कहते हैं पहले आदम आए तो मनु आए कि आदम आए इसको कैसे जानेंगे फिर आइए जब तक क्रिया योग ध्यान समय इतनी एकता न हो जाए कि क्रिया योग ध्यान ही परब्रह्म का रूप है जो क्रिया योग ध्यान आप कहीं भी करिए तो पर हर जगह आपके साथ है और लड़ी महर्षि वर्तमान युग के अवतार योगातार या स्पष्ट कहा है सभी समस्याओं को क्रिया योग के द्वारा दूर करिए एक समस्या है कि मनु पहले आए कि आदम आए जब गहराई में जाइए तब तो मनु का मतलब क्या है जब हमारा मन उ के साथ जुड़ जाए मन क्या है मन कोई चीज अंदर में है जिसको कहते हैं अंधा है अंधा है इसका अर्थ क्या है अब देखिए मनु और आदम कौन पहले आए बाइबल पढ़िए ओल्ड बाइबल और नई वाली बाइबल, कुछ भी पढ़िए सब कहते हैं आदम आदम आए तब ईव आए आदम और ईव आए उसके बाद उन्हीं से सभी चीजें बनी हैं ठीक है हम सब क्या कहते हैं भारत में पहले मनु आए और मनु के बाद शत्रुपा पाए तो आदम और ईव और मनु शत्रुपा इसो समझने के लिए पढ़ डालिए पूरी किताब दुनिया की या हम जो बताते इसको याद कर लीजिए लिख लीजिए और अपने आर्टिकल में लेक्चर में कहिए लेकिन समझ में नहीं आएगा तो फिर आप सुनेंगे क्यों इसे एक रेफरेंस नॉलेज मिलेगा समझ में कब आएगा जब लाली महाशय की तरह स्वीकार करिए क्रिया ही गॉड है उन्नीस में, में जब पहली बार मैं नॉर्थ अमेरिका गया था तो वहां पर एक सूत्र अंदर से आया कि एक सूत्र लिखा जाए लोग कम से कम शब्दों में कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें तो लक्ष्य था गॉड एलोन हम केवल भगवान को चाहते और कुछ नहीं ठीक है तो गॉड ए तो कैसे मिलेंगे गॉड अगला वाक्य था क्रिया इज गॉड ठीक है तो एक साइंटिस्ट बनिए प्रूव करिए क्रिया इज गॉड तो ठीक है तो हम क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं और जो अनुभव होता है इसे प्रेजेंस ऑफ गॉड कर रहे प्रेजेंस ऑफ गॉड का अर्थ है क्या है परबह के सारे गुण परबम्ह के गुण क्या है ज्ञान शक्ति शांति आनंद अमरता यह है का गुण तो ठीक है क्रिया इज गॉड साइंटिस्ट बनिए क्रिया का अभ्यास करिए कर तो रहे कितना वर्ष हुआ दस वर्ष हो गया बीस वर्ष हो गया याद रखिए जब विनिद संत रामगोपाल मिलते हैं परमहंस योगानंद से तो परमहंस योगानंद पूछते हैं कि आप क्रिया योग कितना करते हैं बोले कोई अट्ठारह वर्ष अठारह वर्ष हमने प्रतिदिन सत्रह अठारह घंटा किया फिर बीस वर्ष हमने बीस घंटा किया तो बोले तब क्या ईश्वर मिल गई कहें ईश्वर हमें पता नहीं है कि इतना अभ्यास करने के बाद क्या ईश्वर खुश है हमसे क्या तुम समझते हो कि जो ईश्वर का अनंत रूप है आप 40-45 वर्ष में जान लेंगे प्रयोगानंद को कुछ कमर में दर्द था नहीं जा रहा था तुमने तो आध्यात्मिक शक्ति से ठीक कर दिया और कहा कि नहीं ईश्वर को पाना है तो गुरुदेव के पास जाइए गिरी वही मिलेंगे पहाड़ में जंगल में पेड़ों के साथ पहाड़ों के साथ ज्ञान नहीं होता है तीस तरह से याद रखिए कि जब हम क्रिया का अभ्यास करते हैं कितना वर्ष होगा एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष इसका अर्थ ये है ये तो नहीं कहते कि हम श्वास जब से पैदा हुए तब से ले रहे हैं अब हम श्वास बंद कर देते हैं कोई श्वास बंद कर दे तो कितनी आफत होगी ऐसे क्रिया योग अभ्यास हम कर रहे हैं इसको कितना अभ्यास करे इसके बाद है मोर एंड मोर मोर एंड मोर का अर्थ क्या है नेत इतना ही नहीं और 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 अरे भाई कब तक करें हम जब तक ये पता न चल जाए सिंगुलरिटी क्या है कि जो होली साइंस का प्रथम सूत्र है परब के अलावा कुछ नहीं वही आपके रूप में है वही के सभी रचनाओं के रूप में है वही आसमान वायु अग्नि जल पृथ्वी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव सभी रूपों में वही है जब ये अनुभव हो गया तो फिर ये कोर्स हमारा पूरा हो गया जिस अनुभव करने में हमें करना क्या है क्रिया योग बार बार इतना करें कि क्रिया योग स्वतः होने लगे और क्रिया जब स्वतः होने लगे तो बड़ा अच्छा लगे क्रिया योग करे तो परम आनंद की अनुभूति हो जब का अभ्यास में क्रिया सुनने में अभ्यास करने में क्रिया से प्राप्त ज्ञान और शक्ति के सहारे सेवा करने में जब परम आनंद आता है तब तक करिए आप जब इतना अभ्यास करेंगे तब पता चलेगा अरे जिसे हम आदम कहते हैं जिसे मनु कहते हैं ये तो एक ही है दो नहीं है आप अभी तुरंत आप आदम में अपने को अवतार ले सकते हैं कैसे हम मनुष्य हैं कहते ना कि हम आदमी हैं स्त्री और पुरुष है जो भी हम अपने को मानते हैं आप तुरंत आप आदि मनु में अवतरित हो सकते हैं कैसे भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभी अवतरित होकर के पानी में बदल जाता है सूरज की किरणें और कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी है जो वाष्प के रूप में है रूप में है तीनों मिल करके अवतरित हो गई किस रूप में अनाज जो हम खाते हैं फल जो हम खाते हैं लकड़ियों का जो उपयोग हम करते हैं अरे ये तो अवतार प्रतिपल हो रहा है तो हम क्यों ना अवतरित हो जाए मनु में कैसे होंगे बड़ा आसान है इससे आसान कुछ है ही नहीं जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो अपने अंदर की पैरों की शक्ति हाथ की शक्ति शरीर के अंगों में जो जीवन तत्व तो बह रहा है वो जीवन तत्व तो जो शरीर के अंगों के रूप में प्रकाशित हो रहा है उसकी दिशा सिर और रीढ़ की तरफ हो जाती है पहले मनु के रूप में बनने के लिए आदम के रूप में बनने के लिए हमें ईडन गार्डन में जाना पड़ेगा क्योंकि ईडन गार्डन में ही मनु और शत्रुपा आदि और ईव के बारे में है ईडन गार्डन कहाँ है जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो पता चलता है सिर और रीढ़ के अंदर के क्षेत्र को ईडन गार्डन कहते हैं चलो हम लोग क्रिया का अभ्यास करना शुरू किए सारी शक्ति अंगों में जो जीवन तत्व बह रहा है वही जीवन तत्व तो जो अंग के रूप में प्रकाशित हो रहा है और उसी को संचालित कर रहा है अब उसकी दिशा अंदर की ओर हो गई जब अंदर की ओर हो गई इसके बाद ऊपर की ओर हो गई ऊपर की ओर होते होते जब यहां पहुंच गई तब हम मनु हो गए तब हम आदम हो गए हम आदम हो गए में रूपांतरित होना है जब आदम और हम तो कैसे रहते थे अरे मैं तो स्वतंत्र हो गया अरे बिना श्वास के हम रहते हैं लड़ी वहां से वर्षों वर्षों ऐसे पद्मासन बैठे रहे बिना श्वास के बिना हार्ट बीटिंग के बिना पल्स रेट के ऐसे जो मुस्कान देखी ऐसे बनी रही और शिक्षा देते रहे जो पता चला कि हम सांस के बंधन से मुक्त हो गए धर्मी तो आदम हो गए मनु हो गए तो लड़े महाशय को आप कह सकते हैं आदम और मनु के अवतार हैं। तो शिवाद यही आदम अब फिर अवतार लेंगे ईव के रूप में वही मनु शत्रुपा के रूप में वो कैसे अवतार लेंगे फिर पसलियों को हिलाने लगे कहते नहीं की ईव आदम के पसलियों से बनी है तभी पश्चिम दिशा में जब यहूदी धर्म था जीसस के पहले क्या कहते हैं कि जिन्हें हम स्त्री कहते हैं फीमेल कहते हैं इनके अंदर आत्मा नहीं होती है क्योंकि ये तो पसली से बने हैं जीसस कहते हैं एकदम गलत है जिसे हम मिल फीमेल कहते हैं जिसे नर नारी कहते हैं जिसे स्त्री पुरुष कहते हैं दोनों एक है दो नहीं जीसस का इसने उस नियम को हटा दिया तो याद रखिए, अब लड़ी महर्ष आदम के रूप में हम सब भी आदम के रूप में बन सकते हैं लेकिन ईव के रूप में भी बनना पड़ेगा फिर जब श्वास बंद हो गई, फिर श्वास को चलाना पड़ेगा जब श्वास चलाएंगे तब क्या होगा अरे जो परम निराकार थे अरे साकार रूप में आ गए आकाश गंगा आसमान तारामंडल सूरज चांद पृथ्वी पेड़ पौधे जीवचन अरे इत रूपों में प्रकट हो गए तो परम के रूप में प्रकट होना ये क्या है आदम का इव में रूपांतरण तो चाहे मनु और शत्रुपा कहें सतरूपा क्या है जो सत न हो लेकिन दिखाई पर एक सतरूप है अच्छा कैसे माने देखिए ऊर्जा के तरंगे हैं ये मरती नहीं है परमाणु है ये पानी है इसको सिद्ध कर ये मरते नहीं है जो मरते नहीं है यही तो सच तत्व है इनका रूप क्या है ये सच है सत्य है ये पहले भी थे आज भी है आगे भी रहेंगे इसी को सनातन कहते हैं तो जो हमारा आदि धर्म है वास्तविक धर्म क्या है वो सनातन धर्म है उसी धर्म को प्रारंभिक धर्म चाहे आप क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो चाहे सनातन धर्मी कहें चाहे अपने को मुस्लिम कहें बौद्ध जैन कहें कुछ भी कहें हम सबका सिर्फ एक ही धर्म है धर्म कहते हैं जोड़ना हम सब एक ही चीज से बंधे हुए हैं जुड़ने से हम पृथ्वी से जुड़े हैं आसमान से वायु से अग्नि से सौरमंडल से आकाश गंगा से सबसे तो जुड़े हैं पेड़ पौधों से जीव जंतु से बैक्टीरिया से वायरस से एक दिन हमने आपको स्पष्ट किया था ना कि अपने शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं आप इसमें पंद्रह जीरो लगा दीजिए इससे और अधिक है हम इतना ही बताएंगे। और इसको एक हजार से गुरा कर दीजिए इतने बैक्टीरिया है अपने अंदर और इन सब को एक हजार से गुरा कर दीजिए इतने वायरसेज हैं तो वायरस बैक्टीरिया का थम ही नहीं सकते हैं। या देखिए हमारा जो आदि धर्म है वही है जुड़ने का क्रिया क्या है जुड़ने का विज्ञान है तो पता चला आप मनु के रूप में अवतार ले सकते हैं आप आदम के रूप में अवतार ले सकते हैं उसी समय आपको शत्रुपा के रूप में भी अवतरित होना पड़ेगा ईव के रूप में भी उसमें मेल फीमेल छोड़ दीजिए अगर श्वास हमारी चल रही है तो हम ईव के रूप में है श्वास हमारी बंद हो गई सभी कल समाधि में आ गए तो हम आदम और मनु के रूप में हो गए ये सीधी सी बात है तो रक्षा बंधन क्या है रक्षा का मतलब प्रोटेक्शन सबकी रक्षा हो सबकी रक्षा का अर्थ क्या है अरे भाई मनु की रक्षा हो आदम की रक्षा हो इनकी तो रक्षा हो रही है ने कहा है तो जो हम बगीचा दिए हैं ईडन गार्डन इसके बीच के पेड़ के फल को मत खाइएगा का पेड़ क्या है देखिए इसमें गंध स्वाद दृश्य स्पर्श सुनना ये पांचवे की नहीं इसमें पांचवे एक साथ एक यहां पर है इस पूरे बगीचे में बीच का मतलब क्या है बीच का मतलब मध्य मध्य का मतलब है शांति मध्य मार्ग का अर्थ शांति हम सुन रहे हैं कैसे सुन रहे हैं जब आवाज कान के अंदर के क्षेत्र को स्पर्श करती है तो स्पर्श क्रिया क्या है ये मध्य क्रिया हुई ऐसे स्वाद ले रहे हैं अगर भोजन जीवों में स्पर्श करती है तभी हम स्वाद ले पाएंगे तो स्पर्श क्रिया क्या है जो स्वाद की क्रिया क्या है ये मध्य मार्ग है तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो बाह्य वस्तुओं की अनुभूति करते हैं इसलिए कर पाते हैं कि मध्य में कोई चीज़ है मध्य में कौन सी चीज है कौन सी क्रिया है स्पर्श क्रिया है आंखों से आपको देख रहे हैं कि आपके अंदर की जो शक्ति है हमारी शक्ति आप पर गई फिर आपकी शक्ति लौट करके हमारी आंखों में आई रेटिना पर तो हम आपको देख रहे हैं तो आपको देखने के पीछे और रहस्य क्या है स्पर्श क्रिया है तो पूरे शरीर में जो शब्द स्पर्श जो कान और त्वचा उसके बाद देखना स्वाद और गंध के क्षेत्र में जो भी मनुभतियां करते हैं उसके पीछे टच है स्पर्श है तो टच से अनुभव करने पर आप किसी लाभ में ना आए अच्छा है बुरा है ये तो लाभ हानि हो गया ये सुख है दुख है लाभ हानि हो गया ये पाप है पुण्य है लाभ हानि हो गया तो हमने मना किया है कि हम लाभ हानि के डुअलिटी के चक्कर में न पड़े फल ना खाएं, फल क्या है रिजल्ट रिजल्ट क्या है हमने ये किया अरे पुण्यात्मा हो गए हमने ये किया हम पापी हो गए पाप और पुण्य के जीवन से ऊपर उठ जाइए जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे तो पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाएंगे क्रिया आप वहां होंगे जहां न पाप है न पुण्य है इस तरीके से याद रखिए रक्षाबंधन क्या है कहते हैं हमें बंधन मुक्त होना है धन्य है हम सब गुरुदेव एक ऐसी सदग्रंथ लिख दिया महातार बाबा स्वामी केसर गिरी को ही क्यों चुने कितने वस्तीज है दुनिया में कितने धर्म के अपने को धुरंधर कहते हैं कितने संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं जो कते में वेद याद है पतंजल सूत्र याद है श्रीमद भगवत गीता याद है सब याद है लिख करके व्यक्त कर देते उनको नहीं चुना महातार बाबा ने गिरी को चुना क्योंकि लिखने में कोई गलती नहीं हुई इसलिए होली साइंस में प्रोसीजर में हम कई बार बताए हैं कि बार बार दोहराना बहुत अच्छी बात होती है अच्छी चीज को बार बार दोहराइये बार बार सुनिए सूत नंबर बारह से अठारह में जो हमारा बंधन है जो आठ बंधन है जिसमें घृणा है लज्जा है भय है दुख है दूसरे के निंदा करना जात और कुल का अभिमान है हम आपसे आगे बढ़ के दिखा देंगे ये आठ बंधन है इससे मुक्त होने के लिए हमें एक स्पेशल बंधन में आना होगा रक्षाबंधन तो आप चाहे जो भी हो हमें जितनी सामर्थ हम आपकी रक्षा करेंगे तो रक्षाबंधन का पर्व एक व्यक्ति के लिए नहीं है ब्रह्मांड के पृथ्वी पर जितने लोग रह रहे हैं सभी मानव का श्रेष्ठतम त्योहार है ये तो रक्षा बंधन कैसे पर्व मनाएंगे तो आप जब अपनी रक्षा करना जानेंगे पता चला कि हमारे एक एक अंग खिसक रहे हैं अभी दांत गया फिर ये गया, फिर बाल गया फिर हड्डी गई हुआ अर्थराइटिस हुई फिर हार्ट का वाल्व खराब हुआ ये खराब हुआ सब तो जा रहे हैं ना जो तो अपने शोभ तत्व तो को हम रोक नहीं सकते हैं इतना में प्रेम कम है रोक ही नहीं पा रहे हैं ये अलग हो रहे हैं ये जा रहे हैं हम रक्षा किसी की नहीं कर पाएंगे इसे महातार बाबा ने स्पष्ट दिखा दिया देखिए अभी हम उसी शरीर में हैं, कभी पच्चीस वर्ष के ही हैं यंग प्रकट होते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कोई इनकी फोटो ले ले लड़ी मासे के सामने प्रकट हुई स्वामी के सामने परमहंस योगानंद के सामने जो स्लीपलेस सेंट है इस होली साइंस में उनके सामने प्रकट हुए सबके सामने प्रकट तो हुई है क्या परम से योगानंद झूठा लिखेगी अगर झूठा लिखेंगे तो मान लीजिए क्योंकि उन्होंने दिखा दिया देखिए हम शरीर छोड़ के जा रहे हैं पावन और पवित्र है उसमें न दुर्गंध ना आई न शरण आई हफ्तों पड़ी रही न तो बर्फ पर रखी गई थी न कोई क्रीम लगाया गया था चमड़े में शुष्कता नहीं आई इससे महातार बाबा हैं उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान लाही महाशय को मिला वही ज्ञाना तारी वही परमहंस योगानंद वही स्लीपलेस अनेकों को मिला और उसी का अभ्यास परमहंस योगानंद पूरी मेहनत के साथ दुनिया में फैलाए और वही अभ्यास एग्जैक्टली वही आप यहाँ कर रहे हैं इसे याद रखिये कि इसमें जो आठ बंधन दिया गया है जब तक ये बंधन खत्म नहीं होता है तब तक सच क्या है गलत क्या है हम जान नहीं सकते हैं हम जो भी काम करते हैं हम स्वास्थ्य पाने के लिए हम जाते हैं पालक का लाते उसमें साग बनाते क्योंकि लिखा है कि पालक में आयरन बहुत होता है हम अंदर आयरन की कमी है ठीक है तो हम पालक ला के बनाते हैं कहाँ पढ़ लिए गूगल महाराज ने पढ़ाया या किसी किताब में पढ़ ली फिर आप योग ध्यान करिए पता चलेगा पालक लेने से हमारा हीमोग्लोबिन घटता है गूगल महाराज के पाठ्यक्रम में ये लिखा है कि पालक लेने से हमारे शरीर में वाइटलिटी इम्यूनिटी बढ़ती है लेकिन जब क्रिया योग ध्यान करिए पता चलता पालक लेने से हड्डियां कमजोर होती क्योंकि पालक में एक तत्व होता है जिसको ऑक्जिलेट कहते हैं ऑक्जिलेट जब अंदर जाता है पालक तो अपने खून में जो फेरस कंपाउंड है आयरन का कंपाउंड उससे मिलकर के फेरस ऑक्जिलेट बनाता है जो घुलता नहीं है जो घुलता नहीं है हमारे काम का नहीं तो इसलिए आयरन की कमी होने लगती है जब ऑक्जिलेट पालक का अपने अंदर मिलता है खून से तो इसके कैल्शियम को ले लेता है कैल्शियम ऑक्जीलेट बनाता है वो भी नहीं घुलता है तब के अंदर धीरे धीरे कैल्शियम की आयरन की कमी होने लगती है इसलिए गठिया की बीमारी होने लगती है इसे हमेशा से याद रखते साइंस ऑफ फूड अगर आपको जानना है हम खाना पीना क्या खाएं तो क्रियाओं का सहारा लीजिए आप क्रिया का अभ्यास करते जाइए बहुत पूरा तो हमने नहीं लिखा है लेकिन संक्षेप में हमने कुछ दिया है इस साइंस ऑफ फूड में काफी कुछ चीजें हैं इसमें नहीं है उसको हमने यूट्यूब में दे दिया है कम से कम इसमें जो कुछ लिखा है वही पढ़ लीजिए आपको लगता गलत है तो हमसे बैठ के आप प्रश्न कर लीजिए हम आपको सिद्ध कर देंगे इसे आज का निष्कर्ष क्या है रक्षाबंधन ये सभी का पर्व है हर मानव की रक्षा करनी है पेड़ों की जानवर की हर मानव की रक्षा करनी आपस में एक दूसरे की हर मानव की रक्षा करनी बैक्टीरिया वायरस की तो कैसे रक्षा करेंगे बैक्टीरिया वायरस की बड़ा आसान है सिर से पैर की उंगली तक ईशन बेकाग्र होते हैं जितने बैक्टीरिया वायरस बाहर है और इनकी जो अतीत पीढ़ी थी वो जो भविष्य में जन्म लेगी वो अपने अंदर सब विद्यमान है अगर अपने में कागर होकर के सारे परिवर्तनों को इतना प्रेम करें यही भगवान की अनुभूति है तो सारे बैक्टीरिया वायरस अंदर में जो डिवाइन फार्म को बड़ी शांति मिलती है उनको शांति मिलती है तो बाहर के बैक्टीरिया वायरस खुश होते हैं फिर अटैक नहीं करेंगे वो अगर अपने अंदर जो बैक्टीरिया वायरस है उनको अशांत कर देते हैं सारी अनुभूति ये सुख और दुख है ये जब सुख और दुख कहने लगते हैं अंदर के वायरस बैक्टीरिया में हलचल होती है वो डरने लगते हैं जो भयभीत होते हैं वो तो उनको बचाने के लिए बाहर जो वायरस बैक्टीरिया वो अटैक करते हैं जो अटैक करेंगे तो समस्या बढ़ेगी तब के अंदर वायरस बैक्टीरिया का अटैक ना हो इसे बहुत आवश्यक है कि सिर से पैर के उंगली तक पूरे अस्तित्व में एकाग्रता बढ़ाइए जो अनुभव हो में की साकार उपस्थिति अभ्यास करते जाइए तो वायरस बैक्टीरिया की जो डर है खत्म हो तो गई और सारा ज्ञान मिलेगा कि हम खाना कैसे खाएं पता चला ये क्या है हम तो कृष्ण के भक्त है कृष्ण भगवान क्या थे गोपाल थे गाय की रक्षा करते थे कृष्ण ने कहा कृष्ण भगवान तो विष्णु के अवतार वो तो सबकी रक्षा करते है फिर आइए योग ध्यान करिए पता चला गोपाल का मतलब है जो इंद्रियों के रक्षक हो गोवर्धन उठाया था इसका अर्थ क्या है हमारी आंखें जो भविष्य नहीं देख पाती अतीत नहीं देख पाती मन और बुद्धि भविष्य और अतीत को नहीं जान पाता है भविष्य और अतीत की खोज करे तो वर्तमान से हट जाता है तो याद रखिए कृष्ण भगवान को जो ज्ञान था उसे गोवर्धन इंद्रियों का विस्तार कर लेते थे जो नहीं सुन सकते थे अतीत को सुन रहे हैं भविष्य को सुन रहे हैं वर्तमान में रहते ही अतीत को देख रहे हैं भविष्य को देख रहे हैं वर्तमान को देखते ही इस तरह से हम अतीत वर्तमान भविष्य में एक साथ अपने इंद्रियों के साथ रह ले मन और बुद्धि को साथ रह ले इसी को गोवर्धन कहते हैं कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया था तो जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे तब भी गोवर्धन हटा लेंगे जैसे लड़ी महाशय परमहंस योगानंद को गोद में लेते ही भविष्य बता दिए आध्यात्मिक कि इंजन हो गए लाखों को ले जाएंगे ईश्वर की तरफ और भविष्य बता दिए परमहंस योगानंद वही पैदा होने वाले भगवती चरण घोष के तो भगवती चरण घोष को क्रिया में लाने के लिए लाढ़ी मास को प्रकट होना पड़ा प्रकट होकर के कहते हैं योगी कथा अपने तो पढ़ लीजिएगा कि भगवती अपने कर्मचारियों के प्रति बड़े कठोर हो उनके कर्मचारी थे जो लड़ी मास के शिष्य थे लड़ी मास के दर्शन के लिए परेशान थे कि हम जाएंगे भगवती चरण घोष शिक्षा दे रहे थे काम में मन लगाओ तो धर्म की अफीम से अलग हटो तो मनी मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे हे hey, गुरुदेव हमें बुला लीजिए तो लड़ी से प्रकट हुए फिर भगवती चरण का थे अरे हम अपने को भी छुट्टी लेते हैं वो भी गए फिर जैसे पहुंचे वाराणसी में लड़ी महाशय के घर में वही वाक्य फिर कहते हैं लड़ी महाशय भगवती अपने कर्मचारियों के प्रति बहुत ही कठोर हो तो लड़ी महाशय दिखे नहीं भविष्य अतीत वर्तमान भविष्य हर जगह एक साथ रहते थे पूरी भक्ति से आज से फिर हम नियम बनाई कि हम सबकी रक्षा करेंगे कहीं गलत रक्षा न कर दीजिए अरे आपको बहुत मानते हैं अच्छा बहुत मानते हैं आपके लिए मैंने गिरी गाय खरीदा है गिरी गाय का घी छह सौ रुपए किलो हम आपको जो दे रहे हैं खाने का गिरी गाय का घी है अच्छा कहां से पढ़ा गूगल महाराज को अनुसंधान किया था याद रखिए हमारा दूध हमारी माँ के पास है अगर हमारी माँ को कुछ बीमारी हो गई हमें दूध नहीं पिला सकते तो और अन्य माँ पिलाएंगी जो माँ के रूप में है जैसे मुझे पांच मां ने दूध पिलाया एक मुस्लिम एक जिसको अनटचेबल्स कहते हैं भारत में एक जो यदवंशी है यादव के एक कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं एक मौर्य जो सब्जी वगैरह करते हैं पांच माँ का दूध हम ही पिए हम तो मुस्लिम की माँ का दूध पिए है तो तुमसे हम कैसे घृणा कर सकते हैं जिसको अनटचेबुल्स शुद्ध कहते हैं उनके गोद में बैठे हैं उनके थाली में खाना खाए हैं उनका दूध पिए हैं। तो हमारे अंदर कैसे हो सकता है जातिवाद नहीं है बचपन से नहीं है इस तरह से याद रखिए हमारा दूध हमारी माँ के पास या हमारी तरह जो भी दिखते हैं उनके दूध आता है तो उससे हमारा दूध गाय का दूध नहीं है गाय का दूध गाय के बच्चे, का दूध, के बच्चे के लिए है भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए है बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए है तो महात्मा गांधी बकरी के दूध क्यों पीते थे जो पैगंबर थे लोग आफत कर दिए थे कि दूध लेना ही लेना है तो सबको खुश रखने के लिए सभी जानवरों में बकरी को चुन लिया तो बकरी का क्यों चुना क्योंकि बकरी दौड़ती है गांधी जी को दौड़ना था कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ कभी वहां अगर लोगों को जिद ही है कि दूध लेना है तो बकरी का दूध लेते लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए बकरी का दूध बकरी का बच्चा लेगा हम नहीं लेंगे गाय का दूध गाय का बच्चा गौशाला है गाय को बीमारी ही बीमारी उसका दूध उसका बच्चा पीता वो बीमार उसका दूध आदमी पीता वो बीमार कहते देसी गाय का दूध पीजिए देशी गाय का दूध भी उसके बच्चे के लिए हमारे लिए नहीं है हम प्रयास कर रहे हैं क्र के सिद्धांत पर जिस तरह से जीवन जीना चाहिए पूरी तरह से हम उस तरह से जी करके हम आपकी सेवा करें अभी कर हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से वैसा रह ले रहे हैं अभी हम इंतजाम कर रहे हैं धीरे धीरे हर साल पहले से बेहतरीन हो रहा है एक दिन आएगा जब आप यहाँ आएंगे जो मैं सोचता हूं आपको ये खिलाऊं वही मैं खिला पाऊंगा अभी पूरी व्यवस्था होने में समय लग रहा है संसाधन अभी उस तरह से नहीं है हम प्रयास करके इकट्ठा कर रहे हैं तो आज का निष्कर्ष क्या है रक्षा बंधन हम एक बंधन से जुड़े एक बाउंड्रे से जुड़े अगर रक्षा करने की संकल्प ले जितनी हमारी सामर्थ्य है जितना हमारे ज्ञान है हम अपनी रक्षा करेंगे आपकी रक्षा करेंगे सारी जीव जंतु की रक्षा करेंगे अरे मच्छर मर गया मरा नहीं था ये हम एक ड्रामा कर रहे हैं मच्छर मर गया अच्छा तो आप अहिंसा क्रीम लगा लीजिए ओडोमास, ओडोमास लगा के चलेंगे कम से कम मच्छर तो नहीं मरेंगे ऐसा कपड़ा पहनी एक मच्छर ना काटे इस तरह से हमारे यहां मच्छरों को मारना मना है कीड़े मकोड़ों को मारना मना है हरी पत्तियां ना तोड़िए कच्चे फल ना तोड़िए कोई फूल ना तोड़िए जितना संभव हो सबकी रक्षा करिए और इसी बंधन में बंधे रहिए इस बंधन में बंधे रहेंगे जो मायावी बंधन है जो गुरुदेव लिखते हैं सूत नंबर बारह से 18 तक सूत्र नंबर बारह से 18 तक घृणा लज्जा भय शोक निंदा जाति अभिमान कुल का अभिमान और हम सेना फुलाक चलते से बड़े आठ बंधनों से मुक्ति कब मिलेगी जब रक्षा बंधन स्वीकार करेंगे हम एक दूसरे की रक्षा जितनी सामर्थ्य रक्षा करिए इसे रक्षाबंधन का पर्व मानव के लिए है वो कहीं भी रहता हो इस पृथ्वी पर कहीं भी मानव है सबका यही लक्ष्य है भले ही रक्षाबंधन नाम न जानते हो कि हम सब एक दूसरे का सहयोग करें एक दूसरे की रक्षा करे ये तो सभी चाहते हैं इस याद रखिए कि रक्षा बंधन का पर्व सही रूप मनाने में एम ऑफ लाइफ गॉड ए गॉड को कैसे पाएंगे क्रिया इज गॉड लड़ी नहीं ये लड़ी मासय का सूत्र है क्रिया इज गॉड क्रिया इज गॉड तो कैसे कितना करे मोर एंड मोर कब तक करे जब तक सिंगुलरिटी ना हो जाए सिमरिटी क्या होती है जब तो तक ये ना पता चलेगा तो आपके रूप में धन हमारा जीवन आपसे मिल करके पर रूप में है जब परबम्भ से एकता हमारी हो जाती है हम एक हो जाते हैं तब ज्ञान आ जाता है पृथ्वी बनाने का सृजन सुरक्षा परिवर्तन तीनों का ज्ञान आ जाता है यही तो मानव का लक्ष्य है इसे भूल जाइए कि रक्षाबंधन ये किसी एक वर्ग विशेष का पर्व है ऐसा नहीं है ये सभी का है फिर थोड़ा तो अंग्रेजी में बता दें अंग्रेजी में बताने के पहले आपको हम पांच मिनट अभ्यास कराते हैं अभ्यास क्या है अपने में काग्र करके अपने अस्तित्व को सद विचार से सच्ची भावना से स्वीकार करना सच्ची धारणा से पांच मिनट अभ्यास करिए फिर एकदम प्रेम पूर्वक बैठे अपना और अभ्यास करिए श्वास दर्शन है कान बंद करके ओम दर्शन है भ्रमध्य दर्शन है ज्योति का और जो दीक्षा वाली क्रिया है जो भी आपके पास है उसका अभ्यास करते रहिए और साथ में अंग्रेजी वाला सुनते भी रहिए